वेलकम टू सुमन आईटीआई। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग बनाने के लिए सीखे थे। आज इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। इससे पहले हर एक वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे बार बार भेजना संभव नहीं है, इसलिए सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देख पाएंगे। ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। सबसे पहले क्या है कि बनाना किस में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये सबसे पहले यहाँ से एक एक्सिस लाइन खींचेंगे और ये एक्सिस लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इस तरह लाइन खींचेंगे। दो लाइन एक्सिस लाइन खींचने के बाद यहाँ से 10 mm ऊपर और यहाँ से 10 mm नीचे, ये साइड भी हॉरिजॉन्टल में 10 mm और 10 mm। उसके बाद इसको इस तरह मिलाएंगे। तीनों लाइन खींचने के बाद अब इस ड्राइंग को देखेंगे कि इसमें फ्रंट किधर है, इधर है, और ये इसका साइड है, साइड ये साइड है। तो फर्स्ट एंगल में तो ये क्लियर हो गया कि एक्सिस लाइन के ऊपर मेरा जो फ्रंट बनेगा और टॉप नीचे बनेगा। इसमें साइड जो है राइट तरफ है, ड्राइंग में साइड जो है राइट तरफ, तो ये फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है, तो साइड बनेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी साइड इधर बनेगा। तो इससे क्लियर हुआ कि इधर साइड मेरा बनेगा और फ्रंट ये साइड बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट उल्टा हो जाता है, ये इधर राइट में है तो बनेगा लेफ्ट में, और यहाँ मेरा टॉप बनेगा क्योंकि टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे ही रहता है। तो ये साइड इधर फ्रंट से हम देखेंगे तो ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये सभी दिखाई पड़ेगा, इतना भाग ये टोटल दिखाई पड़ेगा। तो ये भाग का लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ लंबाई है 40, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम 40 मापेंगे। 10, 20, 30, 40 यहाँ पे पॉइंट किए, 40 पे पॉइंट किए। उसके बाद इसका हाइट कितना है, 30। तो ये मेरा क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाइट 30, 10, 20, 30 ये हाइट हुआ, ये मेरा हाइट हुआ। अब इसको इस तरह ये मेरा 40 का पॉइंट था, यहाँ से इसको एक लाइन खींचेंगे, एच पेंसिल से खींचेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रेट में एक लाइन खींचेंगे जो कि मेरा 30 जो हाइट था यहाँ पे खींचा है। ये मेरा जो बना ये क्या बना, फ्रंट बना। अब हम बनाएंगे टॉप, इसको पहले HB पेंसिल से डार्क कर लेना है। ये फ्रंट बना, अब बनेगा टॉप। टॉप से ऊपर से देखने के बाद ये साइड ये दिखाई पड़ेगा, ये फेस पूरा दिखाई पड़ेगा। तो इस फेस का यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, 40। तो ये जो फेस है ये मेरा 40 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 मापेंगे। सेट स्क्वायर को इस तरह सेट करेंगे, 10, 20, 30, 40 मापेंगे। उसके बाद ये है, तो इसका ये साइड से 40 है ये पार्ट, और ये मेरा कितना है चौड़ाई, 35, सॉरी इस पॉइंट से मापेंगे 40 ये लाइन पे, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन ये है,
दस बीस तीस चालीस, इसको डार्क किए। अब ये जो मेरा है फेस, ये फेस यहां से यहां कितना है 35, ये कितना है 35, यहां से 35, 10, 20, 30 और 35 और ऐसे ये जो प्रोजेक्शन है यहां से ये सामने ट्रांसफर ही होता है, तो यहां से यहां हो गया 35। अब ये सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, सेट करने के बाद इस प्रकार इसको नीचे लाएंगे कितना तक 35, अब इसको HB पेंसिल से डार्क करेंगे, ये मेरा टॉप बना, ये मेरा टॉप बन गया, ये टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब साइड, तो साइड के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट से 35 डिग्री पर एक लाइनिंग खींचना है और इसको यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। अब साइड इधर से देखने के बाद साइड से देखेंगे तो ये सरफेस दिखाई पड़ेगा, ये पूरा सरफेस दिखाई पड़ेगा, तो ये सरफेस दिखाई देगा, इसका लेंथ कितना है 35, तो इस पॉइंट से ये साइड 35 लेंगे, 10 20 30 5 35, हुआ। और इसका हाइट, हाइट कितना है 30, दस बीस तीस, ये हुआ। और ये इसका यहां से जब ट्रांसफर होता है तो यहां से पैरेलल में यहां आया, इससे पूरा स्ट्रेट में जाता है, तो यहां से इसके स्टेट में 35 के सामने लाइन खींचेंगे, इसको इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहां से ऊपर जाएंगे, कितना जाना है 35, ये जो हाइट लेते हैं हाइट, ऐसे यहां से भी ये जो इसका हाइट है यहां से भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हाइट हुआ। अब ये मेरा साइड व्यू बना, इसको HB पेंसिल से डार्क करेंगे, डार्क करेंगे, ये मेरा फ्रंट हुआ, ये टॉप हुआ, ये साइड हुआ। अब इसका इसको अब डायमेंशन, इसमें डायमेंशन दर्शाएंगे, एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देना है, यहां से डायमेंशन ये रुक कर देना, ये मेरा कितना था 40 mm, यहां लिखेंगे 40 mm, साइड से देखने के बाद ये था 35, यहां लिख दिए 35। यहाँ पे इसका हाइट दर्शाना है, हाइट है 30, इस
इसका भी दस्ताना है। ये मेरा 40 है और ये जो यहाँ से यहाँ जो ये जो हाइट है ये है 35। ये पतला जो बनाना है ये है 35। अब ये जो है बना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, इसका सिंबल देना है। सिंबल क्या है, एक ऐसे लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद एक 6 mm का डिवाइडर से गोल बनाना है। फ्रेंड स्केच बना रहे हैं, ये 12 mm का बनाना है। उसके बाद ये भी 12 mm का होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 6 mm होगा और इसको इस तरह मिला देना है। इससे पता लगेगा कि ये सिंबल है जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।